संसद सत्र का आज सातवां दिन है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा में आज धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। पीएम मोदी 3 जुलाई को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। साथ ही राहुल गांधी के आरोपों पर भी प्रहार कर सकते हैं। लोकसभा में सोमवार को राहुल गांधी ने पहली बार विपक्ष के नेता के तौर पर भाषण दिया। आपको बता दें कि 90 मिनट के भाषण में राहुल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंसा कराती है, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 2400 घंटे हिंसा करते हैं। वहीं राहुल के बयान पर पीएम मोदी ने खड़े होकर कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। संसद के इतिहास में ये दिन इससे पहले कभी ऐसा नहीं आया होगा। पिछले 10 साल से संसद में नेता प्रतिपक्ष की खामोश आवाज पूरे सदन में गूंज रही थी। राहुल गांधी करीब 90 मिनट तक बेझिझक बेबाक पूरी विपक्ष के ताकत समेटे सत्ता पक्ष पर गरज रहे थे। सदन का माहौल ऐसा था कि पहली बार नेता प्रतिपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री समेत सत्ताधारी नेताओं को हर वार पर पलटवार करने के लिए खुलकर यहां पर सामने आना पड़ा। यहां तक कि आपको बता दें कि खुद लोकसभा स्पीकर को भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बार बार टोकना पड़ा। असत्य असत्य असत्य, इसकी माफी मांगनी चाहिए। नहीं, गुमराह करने की कोशिश ना करें। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा